हैमस्टर कॉम्बैट को अगर आप एक मीम कॉइन की कैटेगरी में देखोगे तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कोई खास प्रॉफिट तो नहीं दिया, बल्कि हमें लॉस में लेकर आए। यानी कि जिन लोगों ने टैप करके इतना ज़्यादा यहाँ पे समय बर्बाद किए, वो शायद अगर एक अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर सही टाइम देते, चाहे वो अच्छे मीम कॉइन से क्यों ना हो, तो शायद आज आप प्रॉफिट में होते। तो ऐसे ही आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ जो कि शिबा इनू के बारे में। थोड़ा हैमस्टर का भी डिस्कस करेंगे क्योंकि हैमस्टर का इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा है जो कि इनकी तरफ से होना चाहिए था, लेकिन कम्युनिटी ने रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा दिया है। तो शिबा इनू की बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो यहाँ पे शिबा इनू ने ऑलरेडी एक दिन पहले ही बताया था कि कुछ बड़ा होने वाला है क्वार्टर फोर में, और क्वार्टर फोर 4-5 दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो समझ लो अक्टूबर महीना, जिसको हम अक्टूबर भी बोलते हैं, तो अक्टूबर मंथ में शिबा की वैल्यू तो जाएगी जाएगी। इसी के साथ बड़ी से बड़ी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। वॉफ ट्रेड पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाली हैं, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो शिबा हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा हैमस्टर का बता देता हूँ। तो हैमस्टर का आपने देखा कि यहाँ पे आपको जो कॉइन्स मिलने चाहिए थे नहीं मिले, आप एक्सचेंज के ऊपर नहीं ले जा पाए, और जो ले जा सकते हैं वो सिर्फ एक छोटी सी क्वांटिटी है। यानी कि वेस्टिंग के द्वारा अगर हम देखें तो एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है जो कि एक हैमस्टर या फिर 5 हैमस्टर, सिर्फ इतना सा अमाउंट हमें मिलने वाला है जो कि हम ले जा सकते हैं किसी हमारे डेक्स वॉलेट के ऊपर। लेकिन वही एज़ कम्पेयर टू गेम, या अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर जो लॉन्च पूल आया था तो वहाँ पे हज़ारों कॉइन्स मिल रहे थे, और वही कॉइन्स हमने सेल करके अच्छा प्रॉफिट भी आज के दिन बनाया है हैमस्टर कॉम्बैट के द्वारा। तो एक्चुअल में प्रॉफिट किनका हुआ, जिन्होंने लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया जो कि गेम के ऊपर, टेलीग्राम की गेम के ऊपर, वो एक बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है। शायद इतना लॉस कैटिजन वालों का नहीं हुआ होगा जितना हैमस्टर वालों का हुआ है, क्योंकि हैमस्टर की वैल्यू अगर हम आज हम देख लेते तो वैल्यू भी कोई खास नहीं गई है, सिर्फ 1 सेंट के आसपास वैल्यू गई थी, और वो भी कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से 1 सेंट से ऊपर नहीं गई है, लेकिन बाइनेंस के ऊपर 0.014 डॉलर के आसपास गई थी, जो अगेन कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं थी। कैटिज़म की वैल्यू 1.4 डॉलर के आसपास गई थी। हैमस्टर कॉम्बैट वन ऑफ द फेल प्रोजेक्ट्स में से एक मैं गिन रहा हूँ अभी, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया कम्युनिटी को। कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हैमस्टर को, लेकिन वापस कम्युनिटी को सपोर्ट हैमस्टर कॉम्बैट वालों ने नहीं किया, जो कि इनको करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी लिस्टिंग आप देख सकते हैं लगभग सारी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर हो चुकी है, लेकिन इस कॉइन की वैल्यू ऊपर नहीं गई है, क्योंकि सबका विश्वास टूट चुका था। सबका जो ट्रस्ट था एक बना हुआ हैमस्टर के ऊपर, एक बहुत बड़ा विश्वास बना होता, वो खत्म हो चुका है। वही अगर हम अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे मैं फिर से मीम कैटेगरी प्रोजेक्ट की ही बात कर लेता हूँ, जो कि शिबा इनू अभी 13 पोजीशन के ऊपर चल रहा है। मीम कॉइन होने के बावजूद इसका मार्केट कैप इतना बड़ा है जो कि 10.1 बिलियन डॉलर के आसपास है, और ये 13 पोजीशन पर है, 13 रैंक के ऊपर, जो कि एवलांच का, ट्रॉन का, कार्डानो का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। इस वक्त चेनलिंक, पोलकाडॉट इनको पीछे ऑलरेडी छोड़ चुका है। यही कारण है कि इसकी वैल्यू हमेशा अच्छी रही है। पिछले 7 दिनों का भी प्रॉफिट देखे तो शिबा इनू में लगभग 20% का प्रॉफिट मिला है। आज के दिन की ही बात कर ले तो लगभग 10-11% का प्रॉफिट मिला है, और इसका मेन रीज़न क्या है कि हमेशा शिबा इनू में डेवलपमेंट्स चलती ही आ रही हैं, कभी भी शिबा इनू रुका नहीं है। इस वक्त आप देखोगे शिबा इनू के, कल के दिन ही एक नई अपडेट आई थी जो कि इन्होंने ट्वीट किया था कि बिग थिंग इज़ कमिंग इन क्वार्टर फोर, और क्वार्टर फोर आने में कितने दिन बाकी हैं, सिर्फ 4-5 दिन बाकी हैं, और आपको एक बहुत बड़ा अपडेट मिलने वाला है शिबा इनू के द्वारा। और हमेशा शिबा की जब भी कोई नई अपडेट आई है, जब भी कुछ नया हमें देखने को मिला है, तो उससे एक शिबा में पंप भी देखने को मिला है, खासकर जब इसकी अपडेट्स न्यूज़ आती हैं, जो कि न्यूज़ आने पर ही होता है। यानी कि एक्चुअल में जब प्रोजेक्ट आ जाता है या फिर प्रोडक्ट ये लॉन्च कर देते हैं, तब हमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि शिबा इनू ऐसा क्या करने वाला है। तो शिबा इनू की एक एग्जीक्यूटिव है लूसी के नाम से, उन्होंने हिंट किया कि शाई या शी जो एक इसका स्टेबल कॉइन है, वो शिबेरियम के ऊपर बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। आपको शायद याद होगा पहले जब शिबेरियम लॉन्च हुआ था, शिबेरियम के अपडेट्स आ रही थी, तब भी हमेशा हमें शिबा इनू के प्राइस में एक बड़ा पंप देखने को मिला है। लेकिन अभी क्या है कि शिबेरियम तो है ही, उसके ऊपर ये अपना खुद का स्टेबल कॉइन लाने जा रहे हैं, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने बताया, तो जिसकी वजह से अगेन हमें इसमें एक पंप देखने को मिल सकता है। तो लूसी ने क्या क्या बताया वो हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि खासकर शाई स्टेबल कॉइन के बारे में ही बताया, यानी कि एक नई चीज़ ये ऐड करने वाले हैं अपने शिबेरियम के इकोसिस्टम में। तो इनका मानना ये है कि जो शाई लॉन्च करने वाले हैं, जो कि इनका खुद का स्टेबल कॉइन है, ये शिबेरियम नेटवर्क को एनहेंस करने के लिए बनाया जा रहा है। शाई को पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था रियोशी के द्वारा 2021 में किया गया था, जिसको सिर्फ डिज़ाइन किया गया था कि ये एक अपनी खुद की डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी लेकर आने वाले, जो कि स्टेबल रहने वाली है।
पहले की बात करें तो इनका जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि शायद को ये 1 सेंट के आसपास रखने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली जब भी कोई स्टेबल कॉइन होता है तो उसकी वैल्यू $1 के बराबर ही होती है, लेकिन ये थोड़ा अलग था, इसका टारगेट पैग सिर्फ 1 सेंट ही था। सतोशी कुसामा और काल धरिया इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो शाई अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और इसके ऊपर रिग्रेस टेस्टिंग करी जा रही है। अब यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है तो इसका मतलब ये कि प्रोजेक्ट या फिर जो इनका प्रोडक्ट है वो तो रेडी है, लेकिन मार्केट में लॉन्च करने के लिए टेस्टिंग चलती है, और जो ये इन्होंने बताया कि शायद अक्टूबर में आने वाला है तो वो शायद शाई ही आएगा। तो अपनी स्टेबिलिटी को देखते हुए यूटिलिटी के हिसाब से ये अपना डिफाई के ऊपर शाई लॉन्च करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि शाई के मेन क्या फ़ायदे होने वाले हैं। ये एक ऐसा कॉइन होने वाला है जिसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम होगी, यानी कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हम USDT में करते हैं, हमें ये पता होता है कि USDT $1 के बराबर ही रहने वाला है, तो सिमिलरली शाई भी ऐसा होगा जिसके ऊपर रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेगा, इसकी वैल्यू लगभग उतनी ही रहेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि शिबा के जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर अगर आप ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं या फिर पेमेंट्स करना चाहते हैं, रेमिटेंस लेना या देना चाहते हैं, तो वो आप शाई में कर पाओगे क्योंकि इसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। और इसी के द्वारा डिफाई एप्लीकेशंस में और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होंगे, यानी कि आप लैंडिंग बोरोइंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर आप शिव कॉइन में करते हो या फिर बोन कॉइन में करते हो, ऐसे कॉइन्स में करोगे तो आपकी जो वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन लैंडिंग बोरोइंग या यील्ड फार्मिंग अगर आप शाई में करोगे शिवेरी नेटवर्क के ऊपर तो ये हमेशा वैल्यू सेम रहने वाली है। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है शाई के साथ क्या कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी शिवेरियम इकोसिस्टम की। अब लिक्विडिटी इसकी शाई में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि शाई के आने के साथ साथ क्या कि यहाँ पे स्टेकिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, यील्ड फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, और लैंडिंग बोरिंग का ऑप्शन भी और भी ज़्यादा चलेगा। एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी है वो ये कि इंटरऑपरेबिलिटी भी रहने वाली है शाई के द्वारा। यही कारण है कि शाई को सिर्फ एक स्टेबल कॉइन बनाकर छोड़ना अलग बात है, लेकिन इसको इंटरऑपरेबल बनाना वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रांजेक्शन्स हो सकती है, यानी कि अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर हो सकती है, एक ब्लॉकचेन से सेंड करके आप दूसरे ब्लॉकचेन के ऊपर सेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी और डिटेल दी गई है वो सारी लगभग इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो जिस कारण मैं और ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि शिवेरियम का इकोसिस्टम और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, शाई एक गेम चेंजर होने वाला है पूरे शिबा के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पे इनका जो डिफाई है, डिफाई इकोसिस्टम है, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसका TVL बहुत ही फास्टली बढ़ने वाला है, क्योंकि शिबा का हमेशा जो मकसद रहा है, एक टोटल फोकस इनका रहा है इनके TVL के ऊपर और इनका एक अच्छा मार्केट कैप बनाने में। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप तो हमेशा इनका रहा ही रहा है, आप देख सकते हैं इनका 24 आवर्स का वॉल्यूम इस वक्त 168% से भी ऊपर चल रहा है, मार्केट कैप 10-12% से ऊपर बढ़ चुके हैं, यानी कि इनका हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ नया अपडेट आने की वजह से हमेशा जो शिबा है बहुत ही एक्टिव रहा है, हाइप में रहा है, कितने सालों से चलता आ रहा प्रोजेक्ट है लेकिन अभी भी हाइप में है। यही कारण है कि इतने ज़्यादा मीम कॉइन्स आए हैं, लेकिन शिप जैसा कंपटीशन किसी ने भी नहीं दिया। आज आपने खुद देख ही लिया कि हैमस्टर कॉम्बैट को कितनी ज़्यादा सपोर्ट मिली है बाइनेंस के द्वारा, एक प्री ट्रेडिंग करने का भी मौका मिला था, उससे पहले लॉन्च पूल का भी मौका मिला था, कितनी ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग भी हुई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू इतनी खास नहीं गई है। तो आज के दिन इन्होंने एक अलग से ऑप्शन भी दिया था कि अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, हैमस्टर को बाय करना चाहते हैं, आप मास्टर कार्ड, वीज़ा, गूगल पे, एप्पल पे से बाय एंड सेल कर सकते हैं। लिस्टिंग से पहले ही बहुत ज़्यादा मौका दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, आप खुद देख सकते हैं। तो यही मेरा कहना है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स में अगर टाइम दोगे तो आपको अच्छा प्रोजेक्ट अपनी तरफ से एक अच्छा आपको फल भी देने वाला है। तो ओवरऑल अपडेट यही था शिबा को लेकर, जो कि इसका शाई कॉइन है, लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही जरूर लेकर आऊँगा, आपका कॉइन या आपका प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो शिबा इनके साथ कनेक्टेड हैं या फिर जिन्होंने बाय किया हुआ है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू वॉल्फ ट्रेड चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।